मनुष्य जब से अस्तित्व में आया है तब से वह ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में पता लगाने के लिए व्याकुल है। हमारे पूर्वजों ने कई ऐसी खोज एवं गणना की जो आज हमारे विज्ञान की नींव है, चाहे वह आर्यभट्ट हो, पाइथागोरस या फिर गैलीलियो। इन सभी ने हमें हमारे ब्रह्मांड को समझाने में कई कामयाबियां हासिल की। मैं जानता हूँ कि आप काफी व्याकुल हो रहे होंगे पहली ब्लैक होल की तस्वीर देखने के लिए। मैं भी विज्ञान प्रेमी हूँ, इसीलिए यह एक ऐसी तस्वीर है जो मानवों की परिभाषा बदलने वाली है। यह है वो तस्वीर। यह हमारे गैलेक्सी के मध्य में मौजूद ब्लैक होल की तस्वीर है, जिसे हम सैगिटस ए कहते हैं। सैगिटस ए का मास सूर्य के मास से 3.5 अरब गुना ज्यादा है और यह पृथ्वी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। हम इसमें इवेंट होराइजन को काफी अच्छे से देख सकते हैं। यह वाकई इस सदी की सबसे खूबसूरत तस्वीर है, लेकिन हम मानवों का इतना दूर का सफर आसान नहीं था। मैं हूं पंकज एवं आज हम बात करेंगे एक ऐसी तस्वीर के बारे में जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने पेपर में उतारा है। 20वीं शताब्दी विज्ञान के लिए सुनहरा पल था, जिसमें ऐसे ऐसे खोज किए गए जो इस पैमाने पर कभी नहीं किए गए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। दौर था सन 1905, यह मानव इतिहास को पूरे तरीके से बदलने वाला था। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के माध्यम से उन्होंने स्पेस टाइम की उस रहस्य को समझाया जिसने उन्हें इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। लेकिन आइंस्टाइन को भी नहीं पता था कि रिलेटिविटी के सिद्धांत जितना वो सोच रहे हैं वह उससे बढ़कर है। सन 1967 में अमेरिकन फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक ऐसी चीज ढूंढ निकाली जो आगे चलकर हमारे ब्रह्मांड को देखने का नजरिया बदलने वाली थी। इस खोज ने अभी तक हमारे वैज्ञानिकों को उलझन में डाल रखा है। यह खोज थी ब्लैक होल की, जिस पर के स्वार्टशाइल्ड ने शोध कर इसकी कई खूबियों को सबसे पहले बताया। लेकिन 2006 में यह सब बदलने वाला था। वैश्विक सहयोग से इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की स्थापना हुई। इसका मूल मकसद ब्लैक होल की तस्वीर कैद करना था, किंतु ब्लैक होल की तस्वीर लेने में एक समस्या थी। करीब 5 अरब तारों के बीच एक ब्लैक होल की तस्वीर लेना एक कठिन कार्य है। इसके लिए पूरी पृथ्वी जितनी बड़ी टेलीस्कोप की आवश्यकता पड़ती। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यह पृथ्वी के अलग अलग भागों पर मौजूद है, जो ब्रह्मांड से आने वाली तरंगों को कैप्चर कर सकती है, जिसे पूरी पृथ्वी ही टेलीस्कोप बन गई। इसने ब्लैक होल की तस्वीर लेने के लिए एक खास तरीका इस्तेमाल किया, क्योंकि ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि यह स्पेस टाइम को पूरे तरीके से मोड़ सकता है, जिसे प्रकाश की किरण भी नहीं निकल सकती। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ही ब्लैक होल का पता लगाया है। यह ब्लैक होल हमारी आकाशगंगा में मौजूद है, जिसे हम सैगिटस ए कहते हैं, जिसे कभी कभी ए स्टार भी कहा जाता है, जो हमारे आकाशगंगा के बीच में मौजूद है। ब्लैक होल से रोशनी नहीं निकलती, तो इसकी तस्वीर कैसे लें? क्योंकि सैगिटस एक खास ब्लैक होल है जिसके आसपास कई तारों का समूह है। यह ब्लैक होल स्पेस में धब्बे की तरह दिखाई देता है, जिससे इसके आसपास के तारे जो होराइजन से काफी दूर है एक डिस्क का आकार ले लेते हैं, बिल्कुल स्क्रीन में दिख रही तस्वीर की जैसी। अगर परिस्थितियां सही रहती तो हमें अप्रैल 2017 में ही सुपर मैसिव ब्लैक होल की तस्वीर देखने को मिल जाती। लेकिन साउथ पोल में सर्दियों का मौसम, जो अप्रैल से लेकर अक्टूबर के महीने तक रहता है, उसके वजह से टेलीस्कोप्स को बंद करना पड़ा। अब इसका तस्वीर अप्रैल 2019 को जारी होगी। इन सभी टेलीस्कोप से मिली डाटा को एरोप्लेन की मदद से कई ऑब्जर्वेटरी तक ले जाया जाएगा, जिसमें MIT का हेस्टैक ऑब्जर्वेटरी और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो ऑब्जर्वेटरी शामिल है, जिसमें इस डाटा की जांच 800 ग्रिड कंप्यूटर करेंगी, जिनका नेटवर्क स्पीड 40 गीगाबाइट पर सेकंड है। इवेंट होराइजन द्वारा ली गई तस्वीर को ब्रुसेल्स, सेंटियागो, शंघाई और टोक्यो में जारी किया गया। यह एक ऐसी तस्वीर है जिसे हम निहारते रहे फिर भी हमारा मन नहीं भरता। यह किसी जादू जैसा लग रहा है, मानो हमने एक ऐसे लक्ष्य को प्राप्त कर लिया हो जो हमें कई शताब्दी आगे लेके चली जाए। यह तस्वीर अपने आप में ही हजार शब्द कहता है। यह हमारी सदियों का मेहनत का फल है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो बीट ऑफ साइंस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, इसे शेयर करें और अपने दोस्तों को इसमें टैग जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद। The hot gas swirling around the black hole. A photon has to leave from close to the event horizon, travel through the hot gas in falling to the black hole, and light rays of a millimeter wavelength, radio waves, can make that journey. Not all of them can. Then that radio wave has to propagate 60,000 years through the M87 galaxy, and then another 55 million years through intergalactic space. And then it winds up in the Earth's atmosphere, where its greatest enemy, the greatest danger,
is that it will be absorbed by water vapor in our own atmosphere. So the Event Horizon Telescope uses telescopes at high, dry sites so that we can see the photons that have traveled to us so far. So far, so good. We have the photons. But the M87 shadow is very, very small compared to the galaxy that surrounds it. So in order to see it, we needed to build a telescope as large as the Earth itself, given the wavelength of light we were trying to observe. And to do that, we used